हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम आइलैंड्स को कवर करेंगे। ये 10th पार्ट होगा हमारा। देखिए, आइलैंड को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। ए होगा आइलैंड ग्रुप ऑफ बे ऑफ बंगाल और दूसरा होगा हमारा आइलैंड ग्रुप ऑफ अरेबियन सी। ठीक है, तो देखिए पहले हम देखते हैं आइलैंड्स क्या होते हैं, उसके बाद हम नोट्स को कवर करेंगे। देखिए, आइलैंड्स जो होते हैं वो पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंटल लैंड होता है जो चारों तरफ से सराउंडेड होता है वाटर बॉडी से। ठीक है, पानी से सराउंडेड होता है। आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई ओशन है और ओशन में जो है चारों तरफ पानी है, सब कुछ पानी पानी होता है, लेकिन बीच में एक लैंड का जो है पार्ट हो वहाँ पे, है ना, सब कॉन्टिनेंटल लैंड हो वहाँ पे जिसके चारों तरफ वाटर बॉडी हो, ठीक है, पानी हो। ये बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटा सा लैंड पार्ट होता है। ये मे बी इमर्ज हो सकता है, जैसे अभी हम पढ़ेंगे ये जो हमारे आइलैंड्स होते हैं वो भी बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है ना, कोरल रीफ से बने हुए आइलैंड है ना, एक्चुअली वो लैंड का पार्ट नहीं होते, वो कोरल्स जो है ऊपर आ जाते हैं और वो जो है कैल्शियम कार्बोनेट की जो खोल होती है उनके ऊपर बचती है, तो उसको हमें हम वो एज अ लैंड हम उसको अज्यूम करते हैं। ठीक है ना, तो ये इमर्जेंट लैंड फीचर्स भी हो सकते हैं एटॉल्स के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे हो गए आइलैंड। ठीक है, अब देखिए, अमंग द आइलैंड ग्रुप्स बे ऑफ बंगाल आइलैंड, बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जो अंडमान निकोबार है और जो है आपका उधर जाएंगे तो लक्षद्वीप पड़ेगा, तो अभी हम अंडमान निकोबार की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंडमान जो ग्रुप है, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से 10 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स वगैरह में हमने, लॉन्गिट्यूड्स में हमने पढ़ा था 10 डिग्री चैनल्स होता है, ये जो है इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिनको हमने डिग्रीज में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो 0 डिग्री क्या है, इक्वेटर है, और आप जो है 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर बढ़ते जाइएगा, 10 डिग्री जो चैनल है, ठीक है ना, वो जो है सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार आइलैंड को। ठीक है, अब देखिए, द विड्थ ऑफ द चैनल इज अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर, ऑल्सो द चैनल लाइज पैरेलल टू द 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के पैरेलल है ये, और इसकी जो विड्थ है हम देखें तो 150 किलोमीटर है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज अ यूनियन टेरिटरी विच इज लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अंडमान निकोबार से मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है आपका, तो अच्छा इसमें ऐसे अज्यूम करिए, रफली मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है ना, तो ये जो है आपका बे ऑफ बंगाल है इधर का, तो यहाँ पे कहीं नीचे आपको अंडमान निकोबार मिलेगा और इधर लक्षद्वीप है। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार ये थोड़ा नीचे होता है, बस इसमें मैं बता रही हूँ, तो ये ऊपर वाला अंडमान है, नीचे वाला निकोबार है, और ये जो चैनल गया है ये 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान और निकोबार को सेपरेट कर देगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब ये जो है क्या है, ये यूटी है, यूनियन टेरेटरी है। ठीक है, द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान आइलैंड इज सैडल पीक। ठीक है, अंडमान का सबसे ऊंचा जो पीक है दैट इज सैडल पीक एंड इट इज 732 मीटर्स अबव द सी लेवल। ठीक है, सी लेवल से 732 मीटर्स अबव है, ऊपर है। इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ अंडमान आइलैंड नियर दिगलीपुर। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है, सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान आइलैंड, और अंडमान में भी कहाँ है, नॉर्थ अंडमान में, इट इज इन नॉर्थ अंडमान आइलैंड एंड जगह जो है वो है दिगलीपुर। ठीक है, दिगलीपुर में है सैडल पीक, दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान आइलैंड और इट इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न अंडमान। ठीक है, ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट हम चलेंगे, द हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार आइलैंड इज माउंट थुलियर। ठीक है, माउंट थुलियर, ठीक है, ये जो है निकोबार आइलैंड की बात कर रही हूँ मैं। अंडमान का हाईएस्ट पीक सैडल पीक थी, कहाँ पे था वो जो है आपका नॉर्थ अंडमान में था, और ये जो जगह थी वो दिगलीपुर में थी। ठीक है, दिगलीपुर, निकोबार आइलैंड की हाईएस्ट पीक भी कुछ होगी, तो निकोबार आइलैंड की जो हाईएस्ट पीक है वो थुलियर है। इट इज लोकेटेड इन द ग्रेट निकोबार। ठीक है, कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में है। द अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ 222 आइलैंड्स व्हिच 204 आर इन अंडमान एंड रेस्ट 18 आर इन निकोबार ग्रुप। ठीक है, देखिए दोनों को अगर हम कंबाइनली देखें, अंडमान और निकोबार को, तो टोटल जो है 222 आइलैंड्स है, लेकिन 204 आइलैंड्स आर, 204 जो आइलैंड्स हैं वो अंडमान में हैं, बाकी जो निकोबार है जो एक दूसरे से सेपरेट हो रहा है 10 डिग्री चैनल से, निकोबार में है 18 आइलैंड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है बैरन आइलैंड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैरन आइलैंड, लोकेटेड इन द अंडमान
lies in 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो पोर्ट ब्लेयर जो है, जो कैपिटल है, वो वहाँ से 135 किलोमीटर जो है कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में एक आइलैंड है छोटा सा, उसका नाम है बैरन आइलैंड, ठीक है। इट इज ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ द साउथ एशिया। पूरे साउथ एशिया की बात करें तो सबसे एक्टिव, मतलब एक एक ओनली एक्टिव वोल्केनो है ये साउथ एशिया का, ठीक है, बैरन आइलैंड। इट्स इट फर्स्ट इरप्टेड इन 1787 में इरप्ट हुआ था। द नारकुंडम आइलैंड इज ऑल्सो लोकेटेड इन द अंडमान सी विच इज डोरमेंट वोल्केनो। तो देखिए, दो वोल्केनो, एक तो बैरन है, ठीक है, ये एक्टिव वोल्केनो है, नारकुंडम आइलैंड भी है, और ये जो है डोरमेंट है, मतलब ये जो है इसका इरप्शन अब होता नहीं, ठीक है। अंडमान आइलैंड ग्रुप वॉज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द अराकान योमा अ टेरिटरी माउंटेन रेंज, ठीक है। तो देखिए, ये म्यांमार, जैसे मान लीजिए इंडिया का ये वेस्ट बंगाल है और ये म्यांमार है, यहाँ पे यहाँ से होते हुए आता है, तो ये जो है कुछ पार्ट्स जो है ना सबमर्ज हो गए हैं, कुछ पार्ट्स जो है सबमर्ज हो गए हैं, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स सबमर्ज हो गए हैं अंदर, ठीक है। तो जो ऊँचे हैं वो दिखते हैं हमें, तो उसको हम कहते हैं क्या कि ये जो है हमारा किसका पार्ट है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द अराकान योमा, ठीक है, अराकान योमा द टेरिटरी माउंटेन रेंज, ठीक है। लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, शेल आर द मोस्ट प्रोमिनेंट रॉक फीचर्स ऑफ दिस आइलैंड ग्रुप। कौन कौन से हैं, लाइम स्टोन है, सैंड स्टोन एंड शेल, ठीक है, इनसे बना हुआ है ये पूरा आइलैंड। द ईस्टर्न कोस्टल स्टेट आंध्र प्रदेश लाइज इन द लेक पुलिकट, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश लाइज द लेक पुलिकट। द लेक इज फेमस फॉर बींग सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया आफ्टर चिल्का लेक, ठीक है। तो यहाँ पे पुलिकट के बारे में भी पता नहीं इसमें क्यों मैच कर दिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें, आंध्र प्रदेश में जो है पुलिकट लेक है, एंड इट इज़ फेमस फॉर बींग सेकेंड ब्रैकिश वाटर लेक, ये ब्रैकिश वाटर है चिलिका के बाद, ठीक है, लेक आफ्टर चिलिका। श्रीहरिकोटा आइलैंड, अच्छा आइलैंड्स की बात कर रहे हैं, तो श्रीहरिकोटा आइलैंड इज सिचुएटेड इन द पुलिकट लेक, ठीक है, कहाँ पे है, पुलिकट लेक, श्रीहरिकोटा आइलैंड जो है वो भी पुलिकट लेक में सिचुएटेड है। और हमारा जो आइलैंड सेपरेट्स द लेक फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, तो ये जो आइलैंड है वो क्या करता है, द आइलैंड सेपरेट द लेक फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इन दिस आइलैंड एंड इट इज़ यूज बाई द इंडिया फॉर हर सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम। आपको पता है सतीश धवन से हम क्या करते हैं, अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, ठीक है, सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। एंड एडम्स ब्रिज, ठीक है, राम सेतु बोलते हैं, एडम्स ब्रिज और राम सेतु स्टार्ट्स अ चेन ऑफ द शोलास फ्रॉम द धनुष कोंडी टिप ऑफ इंडियाज पंबन आइलैंड एंड एंड्स एट द श्रीलंका मन्नार आइलैंड। धनुष कोंडी जो है, ये राम सेतु कहाँ से स्टार्ट होता है, एडम्स ब्रिज जो है, या राम सेतु स्टार्ट होता है धनुषकोंडी टिप ऑफ द इंडियाज पंबन आइलैंड, और ये ख़त्म जो होता है श्रीलंका के मन्नार आइलैंड से, पंबन और मन्नार से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, स्टार्ट होता है सैडल पीक, द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज लोकेटेड इन, ठीक है। सैडल पीक कहाँ पे है, नॉर्थ अंडमान में, अभी हमने देखा था नॉर्थ अंडमान में है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल हैव अराउंड 572 आइलैंड्स एंड आइलेट्स। मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड्स अबाउट 550 आर द अंडमान ग्रुप, ठीक है। तो 572 आइलैंड्स हैं एंड बे ऑफ बंगाल में, एंड मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड्स लगभग 550 जो आइलैंड्स हैं वो अंडमान ग्रुप में हैं। द स्मॉलर निकोबार कंप्राइज 22 आइलैंड्स। सैडल पीक जो है वो आपका 732 मीटर्स है, एक्सक्यूज मी, एंड इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो दोनों का अगर हम देखें तो ये अंडमान और निकोबार का हाईएस्ट पीक आपका सैडल पीक है, और ये जो है नॉर्थ अंडमान में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो सैडल पीक है, ठीक है ना, हाईएस्ट पीक है। अंडमान एंड निकोबार आर ग्रुप ऑफ आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल, ये सही है, ईजी है, इसमें कुछ ऐसा टफ नहीं आएगा। नंबर ऑफ आइलैंड्स इन अंडमान एंड निकोबार कितने हैं, 220, ठीक है, 220। टोटल नंबर ऑफ आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार इज 222, वेयर एज द नंबर ऑफ आइलैंड्स एंड आइलेट्स इज 572, ठीक है। अगर हम आइलैंड्स की बात करें तो 222 है और
आइलैंड्स और आइलेट्स भी मिला देते हैं, छोटे छोटे और भी जो होते हैं वो जो है आपके हो जाएंगे 572, 572, ठीक है। 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स, किसको सेपरेट करता है? अंडमान और निकोबार को करता है। तो 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड टू द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। द एक्सपेंशन ऑफ द चैनल इज अबाउट 150 किलोमीटर। इट इज पैरेलल टू 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, सो इट इज कॉल्ड एज अ 10 डिग्री चैनल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? हम 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्क स्टेट लोकेटेड बिटवीन, एक्सक्यूज मी, तो ये कहाँ पे लोकेट करता है पार्क स्टेट? ये है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, आपको पता है इट इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल टू पार्क स्टेट, ठीक है। पार्क स्टेट इज लोकेटेड इन बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका एंड इट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल टू पार्क स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल, आपको पता है अंडमान और निकोबार ही 10 डिग्री चैनल से सेपरेट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल, आपको पता है अंडमान और निकोबार आइलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू द निकोबार, ठीक है। निकोबार के क्लोजेस्ट कौन सा है? तो अगर हम देखें मैप में उठा के देखेगा कि जो है जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो ग्रेट निकोबार इज क्लोजेस्ट टू द सुमात्रा, ठीक है। अभी इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आजकल जो है जो UPSC के क्वेश्चन है वो स्टेट लेवल एग्जाम में जो है आपके रिपीट होते रहते हैं, तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। तो क्लोजेस्ट टू जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू द ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है, कौन सा है? देखिए ग्रेट निकोबार के सबसे क्लोज जो है ऑप्शन है सुमात्रा, बोर्नियो, जावा एंड श्रीलंका, ठीक है। तो सुमात्रा के क्लोजेस्ट है, ठीक है। ग्रेट निकोबार सराउंडेड इज साउदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया, लोकेटेड बिटवीन 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ एंड 7 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ टू बी। आप जो है एक्सटेंट इसका देख लीजिएगा, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 480 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, जो कैपिटल है उसको उससे 480 किलोमीटर अवे है। इंडोनेशिया आइलैंड सुमात्रा इज जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू द ग्रेट निकोबार एज कम्पेयर टू द बोर्नियो, जावा एंड श्रीलंका। जावा इज एन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, द साउथ ऑफ सुमात्रा एंड बोर्नियो इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ सुमात्रा, ठीक है। बैरन आइलैंड इज लोकेटेड इन कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में है बैरन, ठीक है। बैरन आइलैंड कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में है। एंड बैरन आइलैंड इज लोकेटेड इन द अंडमान सी, ठीक है। बैरन आइलैंड लोकेटेड इन द अंडमान सी इन द बे ऑफ बंगाल 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट टू द पोर्ट बेयर। इट इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन साउथ एशिया एंड इट फर्स्ट इरप्टेड इन 1787। Which of the following is the volcanic islands of India? कौन सा है volcanic? Barren Island is the volcanic. ठीक है, Barren Island is the volcanic island. Northern part of western coastal plain of India is also known as, इसको हम कोंकण बोलते हैं, आपको हमने डिस्कस किया था जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है तो हम कोंकण बोलते हैं। देखिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 3 regions. नेमली कोंकण कोस्ट, कनारा कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट, ठीक है। नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ नोन एज द कोंकण कोस्ट और जो साउदर्न है उसको मालाबार कोस्ट कहते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज नैरो एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज वेरी वाइड, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये जो ये वेस्ट वाला पोर्शन है ये जो है नैरो है और ईस्ट वाला थोड़ा सा वाइड है, ठीक है। ईस्ट वाला वाइड है, वेस्ट वाला नैरो है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया हैज़ अ वॉल्केनिक ओरिजिन, कौन सा है? बैरन वॉल्केनो है, ठीक है, बैरन आइलैंड है। बैरन आइलैंड इज लोकेटेड इन द अंडमान, इट इज ओनली कन्फर्म्ड एक्टिव वॉल्केनो इन साउथ एशिया एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या स्टेटमेंट हमारा? बैरन आइलैंड वॉल्केनो इज एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी, ठीक है, बिल्कुल सही है। बैरन आइलैंड लाइंग अबाउट 120 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द ग्रेट निकोबार, ऐसा नहीं है, ये जो है 135 किलोमीटर जो है नॉर्थ ईस्ट किसके हैं? पोर्ट ब्लेयर के हैं। द लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड इरप्टेड 1991, ये गलत है, 1700 समथिंग। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आंसर हमारे हैं, बैरन आइलैंड इज द इज एन आइलैंड लोकेटेड इन द अंडमान सी डोमिनेटेड बाई द बैरन वॉल्केनो, द मेन ओनली कन्फर्म एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द साउथ एशिया एंड इट इज द पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन टेरेटरी, किसका पार्ट है? इंडियन यूनियन टेरेटरी का पार्ट है ये अंडमान एंड निकोबार का, एंड हम स्टेटमेंट एक हमारा गलत होता है। इट लाइज 138 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कैपिटल टेरिटरीज कैपिटल पोर्ट ब्लेयर एंड 538 किलोमीटर ऑफ फ्रॉम द ग्रेट निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार से 538 किलोमीटर हो गई, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट ऑफ द
territories capital Port Blair and 538 kilometer the from the Great Nicobar. Hence ये जो हमारा हो जाएगा, देख लीजिए, volcano erupted for first time in 1787 and 1991 there was another eruption that lasted for about 6 months and it was particularly harmful to the island's fauna. However, there were eruptions in 1994 and 1995. देखिए 1991 में भी इरप्ट हुआ था ये, बट पहली बार जो है वो एक्चुअली इसमें पहली बार नहीं पूछा था, पहली बार जो है वो 1787 में हुआ था, बट 1991 में भी इरप्शन हुआ था, 1994-95 में इरप्शन हुआ, 2005 और 2007 में इरप्शन हुआ, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज द एक्टिव वोल्केनो, क्योंकि बार बार एट द सर्टन पीरियड ऑफ टाइम इसका इरप्शन होता रह रहा है. ठीक है, 2005 और 2007 में भी हुआ एंड लेटर कंसीडर टू बी लिंक्ड टू बी 2004 इंडियन ओशन अर्थक्वेक. तो ये जो हमारा है नेक्स्ट, हमारा श्रीहरिकोटा इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है ये, नियर पुलिकट लेक. ठीक है, तो ये श्रीहरिकोटा पुलिकट लेक. देखिए श्रीहरिकोटा आइलैंड इज लोकेटेड नियर द पुलिकट लेक ऑफ आंध्र प्रदेश. इट सेपरेट्स पुलिकट लेक फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल. सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इन श्रीहरिकोटा. ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा में है. ठीक है, एडम्स ब्रिज बिगिंस फ्रॉम, तो धनुषकोडी से बिगिन होते हैं, स्टार्ट होता है. ठीक है, एडम्स ब्रिज इज नोन एज द राम सेतु. इट इज सेपरेटेड, इट इज स्प्रेड एज द चेन ऑफ शोलास फ्रॉम द धनुषकोडी टिप ऑफ इंडियन पंबन आइलैंड टू श्रीलंकाज मन्नार आइलैंड. पंबन आइलैंड इज अ सेमी कनेक्टेड टू इंडियन मेनलैंड बाई 2 किलोमीटर लॉन्ग पंबन ब्रिज. ठीक है, अब हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा, इंडियन ग्रुप्स ऑफ अरेबियन सी, सॉरी आइलैंड ग्रुप्स ऑफ अरेबियन सी. अभी हमने देखा आइलैंड ग्रुप ऑफ बे ऑफ बंगाल, अब हम अरेबियन सी को कवर करेंगे. ठीक है, तो देखिए इन केरला नियर मालाबार कोस्ट, केरला में जब जाए मालाबार कोस्ट पे, लाइज एन आर्किपेलागो ऑफ 12 अटॉल्स. ठीक है, 12 अटॉल्स का एक आर्किपेलागो है एंड 3 रीफ्स एंड 5 सबमर्ज्ड बैंक्स विद ए टोटल अबाउट 36 आइलैंड्स. ठीक है, दिस आर्किपेलागो इज नोन एज द लक्षद्वीप. इसको हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं अगर हम मालाबार कोस्ट के तरफ जाएं. द नेम ऑफ दिस आर्किपेलागो वॉज चेंज टू लक्षद्वीप इन 1973. ठीक है, इन आर्किपेलागो का नाम जो है लक्षद्वीप में कन्वर्ट हो गया 1973 में. अर्लियर इट वॉज नोन एज द लक्षद्वीप. ठीक है, लक्षद्वीप मिनिकॉय एंड अमन देवी आइलैंड, तो इसको पहले बोलते थे लक्षद्वीप मिनिकॉय एंड अमन देवी, लेकिन 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप हो गया. द डिस्टेंस ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला वेरीज 200 to 300 किलोमीटर. लक्षद्वीप इज अ यूनियन टेरिटरी एंड विद द एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर. देयर आर 36 आइलैंड्स इन द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप एंड ओनली 10 आर इनहेबिटेड. ठीक है, नॉर्दर्न एंड ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड इज कॉल एज द अमन देवी, वेयर इज द साउदर्न एंड कॉल एज द मिनिकॉय. ठीक है, मिनिकॉय आइलैंड इज सेपरेटेड, नॉर्दर्न एंड जो है उसको क्या कहेंगे, अमन देवी, और जो साउदर्न टिप है, साउदर्न एंड है, उसको कहते हैं मिनिकॉय. ठीक है, मिनिकॉय आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ आइलैंड बाई 9 डिग्री चैनल. ठीक है, मिनिकॉय कितने डिग्री चैनल से, 9 डिग्री चैनल से. अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल से, याद रखिएगा जो मिनिकॉय है वो रेस्ट ऑफ आइलैंड से 9 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है. मिनिकॉय इज सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द लक्षद्वीप. कावरत्ती इज द कैपिटल ऑफ द लक्षद्वीप, लोकेटेड ऑन द कावरत्ती आइलैंड. ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द लक्षद्वीप इज एंड्रॉट. ठीक है, एंड्रॉट ऑन एंड्रॉट. ठीक है, ये एंड्रॉट और एंड्रॉट जो है क्या है, वो लार्जेस्ट आइलैंड. The Elephanta Island is located near the Mumbai at a distance of 10 kilometers from the Gateway of India. ठीक है, Salicet Island is the state of Maharashtra. Salicet Island is in the state of Maharashtra. Salicet कहाँ पे है, Salicet Island जो है महाराष्ट्र स्टेट में है, on the India's west coast. ठीक है, कहाँ पे, इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे. Salicet Island कहाँ है, महाराष्ट्र में है. Metropolis of Mumbai and the city of Thane lies in. ठीक है, मेट्रोपोलिस ऑफ मुंबई एंड मेट्रोपोलिस ऑफ मुंबई एंड थाने लाइज इन सैलिसेट आइलैंड. ऑफशोर आइलैंड फ्रॉम द डेल्टाइक रीजन ऑफ गंगा टू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया द गल्फ ऑफ मन्नार अ लॉट ऑफ आइलैंड्स आर लोकेटेड. ठीक है, तो गल्फ ऑफ मन्नार में बहुत सारे आइलैंड्स हैं. एमंग दीज आपका कौन कौन सा है, पिराम, गल्फ ऑफ खंभात.
ठीक है। भैंसाला ये काठियावाड़ में है, दीव, बैदा, नोरा, ठीक है, पेस्तान, ये सब देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। कारुन भार और खाड़िया बेट, ठीक है ना, ये सारे जो है आइलैंड्स हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। और सेंट मैरी जो है, अंजीदीव, ठीक है, ये सारे जो हमारे आइलैंड्स हैं। और न्यू मूर, गंगा सागर, ये गैंगटिक डेल्टा एक रीजन में है, सम प्रोमिनेंट वंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ आइलैंड्स हैं, ठीक है। जो कोरी क्रीक है, सर्फ क्रीक, आपका जो डिस्प्यूट है वो आप जानते ही होंगे। तो ये सारे जो है टाइडल जो है क्रीक्स हैं, ठीक है। सर्फ क्रीक इज द 96 किलोमीटर लॉन्ग टाइडल एस्चुरी इन द रैन ऑफ कक्ष रीजन। इट लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ द इंडिया एंड पाकिस्तान एंड हैज बीन डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन द टू नेशंस, ठीक है। इट सेपरेटेड गुजरात फ्रॉम द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान एंड डिस्प्यूट लाइज इन एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैरिटाइम बाउंड्री बिटवीन लाई बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। एट प्रेजेंट द एरिया इज अंडर द पोजिशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करिए, वेयर इज लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड? इट इज इन अरेबियन सी, ठीक है। लक्षद्वीप इज एन ग्रुप ऑफ आइलैंड इन एन अरेबियन सी एंड दीज आर स्कैटर्ड बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ टू 12 डिग्री नॉर्थ एंड 71 डिग्री ईस्ट टू 74 डिग्री ईस्ट। द इंटायर आइलैंड ग्रुप इज बिल्ड ऑफ कोरल डिपॉजिट, ठीक है। देर आर अप्रोक्सीमेटली 36 आइलैंड आउट ऑफ विच 10 आर इनहेबिटेड, ठीक है। मेनिकॉय इज द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड सेपरेटेड बाई सेपरेटेड फ्रॉम द अदर आइलैंड बाई 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो मेनिकॉय जो है और आइलैंड से 9 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है। कावरत्ती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप एंड द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द लक्षद्वीप इज एंड्रॉट, ठीक है। एंड्रॉट जो है लार्जेस्ट आइलैंड है, किसका? लक्षद्वीप का। दीज आइलैंड्स आर लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 280 किलोमीटर टू 480 किलोमीटर ऑफ द केरला कोस्ट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोरल आइलैंड? तो लक्षद्वीप जो है कोरल आइलैंड है, लक्षद्वीप। अब ऑप्शंस क्या है? न्यू मूर, कार निकोबार, अंडमान, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप इज अ कोरल आइलैंड। लक्षद्वीप इज अ कोरल आइलैंड लोकेटेड ऑन द अरेबियन सी एंड कैपिटल इज कावरत्ती। इट इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया। कहाँ पे है ये? साउथ वेस्ट इंडिया के साउथ वेस्टर्न पार्ट में है, ठीक है। लक्षद्वीप इज लोकेटेड, आइलैंड इज सिचुएटेड कहाँ पे? इन द साउथ वेस्ट इंडिया, ठीक है। आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप इज एक्यूमुलेशन ऑफ द कोरल रीफ्स। क्या है? कोरल रीफ के एक्यूमुलेशन से बने हुए हैं, ठीक है। वहाँ हमने देखा था अराकाम योमा का पार्ट था ये, यहाँ पे कोरल द्वीप से बने हुए हैं लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स? ये 36 आइलैंड्स है। कितने? 36 आइलैंड्स है इसमें। लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड 36 आइलैंड्स कवरिंग 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। कैपिटल इज कावरत्ती। लक्षद्वीप इज कंप्राइज ऑफ 10 इन इनहेबिटेड आइलैंड एंड 16 अनइनहिबिटेड, ठीक है, आइलैंड्स, ठीक है। ऐसे आइलैंड जहाँ पे कुछ लोग हैं और ऐसे आइलैंड जो बिल्कुल खाली हैं, बैरन हैं, कहीं कुछ भी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिमोटेस्ट आइलैंड फ्रॉम द इंडियन कोस्ट, ठीक है। मिनिकॉय है जो रिमोटेस्ट है, यहाँ पे जो है बहुत दूर है ये। अमंग द गिवन ऑप्शन मिनिकॉय इज वन ऑफ द रिमोटेस्ट आइलैंड फ्रॉम द इंडियन कोस्ट, ठीक है ना। भटकल, अरनाला और हेनरी इज द कैटेगरी ऑफ द पेनिनसुलर आइलैंड। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड लाइज बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका? तो ये रामेश्वरम है, ठीक है, रामेश्वरम इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। लोकेशन ऑफ आइलैंड गिवन इन द ऑप्शन इज एज फॉलोज। एलिफेंट आइलैंड, इट इज लोकेटेड इन डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम द गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। एंड नेक्स्ट इज, इसको हम देखते हैं, देखिए निकोबार आइलैंड्स हैं। निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डार्क हो गया है। इट इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल बिटवीन 6 to 10 degree north लैटिट्यूड एंड 92 degree to 94 degrees लैटिट्यूड। इट कम्प्राइज कंसिस्ट ऑफ 22 आइलैंड्स, ठीक है। रामेश्वरम आइलैंड है, रामेश्वरम इज लोकेटेड इन द, कहाँ पे लोकेटेड है ये? रामनाथपुरा, याद रख लीजिएगा इसको, एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन लैंड इंडिया बाई द पम्बन चैनल, ठीक है। ये पम्बन चैनल से
नेक्स्ट हमारा है सैलसेट आइलैंड, इसको भी यहाँ पे नोट करिएगा। इट इज़ एन आइलैंड ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। द मेट्रोपोलिस ऑफ मुंबई एंड सिटीज ऑफ थाने आर लोकेटेड हियर, मार्किंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड ऑफ द इंडिया, ठीक है। सो इट इज़ क्लियर दैट रामेश्वरम आइलैंड लाई बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्ज सिटी बिल्ट ऑन द इंडियन आइलैंड, सबसे बड़ी सिटी जो बनी है वो मुंबई है। इंडिया लार्जेस्ट सिटी ऑन एन आइलैंड इज मुंबई एंड द टोटल एरिया ऑफ द of Port Blair is greater than that of Mumbai. However, from the अगर हम population point of view से देखें तो मुंबई में ज़्यादा है, ठीक है। मैच कराना है, लिस्ट वन लिस्ट टू आइलैंड है और लोकेशन है, ठीक है। वियान सोइदर सोइदर है, पीराम द्वारका दीव, और हमें मैच कराना है तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए वियान सोइदर ये जो है आपका गल्फ ऑफ कच्छ में है, पीरम है ये गल्फ ऑफ कैम्बे खम्बात में है, द्वारका जो है कोस्ट ऑफ अरेबियन सी, एंड दीव जो है आपका है कोस्ट ऑफ काठियावाड़, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सर कोरी क्रीक, या कोरी क्रीक इज कोरी क्रीक लाइज इन, तो रैन ऑफ कच्छ है, रैन आपको पता है ये कोरी क्रीक is a atoll sorry as a tidal creek, a tidal creek hai in the run of Kutch region of the Gujarat and is a maritime border between India and Pakistan. Next question is the Sir Creek dispute is between which of the following countries, to kiske beech mein India aur Pakistan ke beech mein. Sir Creek is a disputed area in the run of Kutch and and it is 96 kilometer tidal estuary on the border of India and Pakistan. It separates Gujarat state of India from the Sindh province of Pakistan. ये देख लीजिएगा, गुजरात को पाकिस्तान के सिंध से अलग करती है। The two countries are not in agreement over the demarcation line in Sir Creek in Ran of Kutch. ठीक है, Ran of Kutch. तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे थर्ड हमारा ये चैप्टर है स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।